क्लास टू, आज हम अपने रिवीजन क्लास में हिंदी व्याकरण करेंगे। और हिंदी व्याकरण में हम लोग ने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा जिसे हम नाम वाले शब्द भी कह सकते हैं, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा को समझने के लिए या सबसे आसान तरीका है, जैसा आपको यहाँ पे नाम वाले शब्द आपको आपकी किताब में ही दिया है, आप बस इसको, इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी वाक्य में संज्ञा को ढूंढ सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि वो नाम वाले शब्द होते हैं। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो ही संज्ञा होता है। आप अपने चारों तरफ घूम करके देखिए, आपको जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़ दिख रही है, उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। बच्चों, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी वस्तु होता है, या कोई निर्जीव चीज़ होती है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम तो ज़रूर होता है। बिना नाम के तो हम किसी भी चीज़ को नहीं पुकारते। तो जो वो नाम होता है वो नाम ही संज्ञा होता है। संज्ञा बहुत ही आसान है, बस आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें नाम ढूंढना है। कहीं भी हमें नाम दिख जाएगा, किसी भी वाक्य में हमने नाम को पढ़ा, तो वो वाक्य, वो शब्द क्या हो जाएगा या वो नाम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये हमारी छोटी सी परिभाषा बनती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पशु पक्षी या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। मन के भाव के नामों को, माफ करिएगा, मन के भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तो हम लोग ने पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है या संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत आसान है, नाम, कोई भी नाम आपको वाक्य में मिलेगा, आप पहचान जाएंगे कि वो संज्ञा है। ठीक है, अब आगे बढ़ने पर है कि संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखो, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि आप लोग क्लास टू में हो। ठीक है, आपके स्कूल में, क्लास टू में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये संज्ञा को समझ लो क्लास टू। ठीक है, लेकिन ये जो क्लास टू के बच्चे हैं, ये अलग अलग सेक्शन में होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितने भी सेक्शन हैं, अलग अलग सेक्शन में आपके क्लास टू के बच्चे डिवाइड हैं। उसी प्रकार संज्ञा भी है। ये जो संज्ञा है ये तीन वर्गों में विभाजित है, यानी ये तीन प्रकार की है या इसके तीन भेद हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि ये क्लास टू हो गया और ये उसका अलग अलग सेक्शन हो गया, ये टू ए हो गया, ये टू बी हो गया, ये टू सी हो गया। ठीक है, वैसे ही ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई और ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी व्यक्ति में से, मतलब व्यक्ति का मतलब होता है कोई इंसान, लेकिन यहाँ सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी भी चीज़, चाहे वो नाम, अभी हम लोग ने पढ़ा कि नाम संज्ञा होती है। ठीक है, तो वो चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी पेड़ पौधे का नाम हो, किसी पशु पक्षी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, वो संज्ञा होगी। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब भी हम किसी भी चीज़ के एक विशेष नाम को जानते हैं, जैसे आपका कोई नाम हो, ठीक है, तो आपका जो नाम, अगर मैं नाम लेकर के आपको बोलूँगी तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाओगे। ठीक
ठीक है, किसी एक बच्चे का नाम लेकर के अगर उसको पुकारा जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि सारे बच्चे, तो सारे बच्चे में किसी बच्चे का नाम तो नहीं लिया गया, किसी एक बच्चे का तो नाम नहीं लिया गया, सारे बच्चे बोल दिए गए तो वो सभी हो जाएंगे। तो जब ये सब हो जाएंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। बच्चों ध्यान से समझो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। व्यक्तिवाचक में हम लोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ का, साधारण भाषा में किसी भी चीज़ का एक नाम लेते हैं। जैसे फूल, फूल क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस फूल के अंदर तो कोई भी फूल आ सकता है, कैसा भी फूल आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं गुलाब का फूल या कमल का फूल, तो मैंने आपको नाम बता दिया। तो ये गुलाब का फूल, ये नाम जब बता दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फूल बोलूंगी तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं कि सभी लड़कियां चलो। अगर ये वाक्य है कि सभी लड़कियां चलो, तो लड़कियां क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ किसी भी लड़की का नाम नहीं बोला गया है, ये सभी लड़कियों के लिए बोला गया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राधा चलो, तो वो राधा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का, किसी एक इंसान का नाम आपको लेकर के बताया जा रहा है। यही फर्क है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, यही समझने का तरीका है। अगर किसी एक स्पेशल नाम लेकर के बोला जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको एक स्पेशल किसी एक पर्सन का नाम लेकर के नहीं बोला जा रहा है, सभी के बारे में बात की जा रही है, तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और फिर भाववाचक है, बहुत आसान है। जिन शब्दों से मन के भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अभ्यास पर। संज्ञा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्नों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और इनको हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। बहुत आसान है। जो संज्ञा की सही परिभाषा है, जो हमने अपनी बुक में पढ़ा, जो हमने सीखा भी, उसी को हम इसका उत्तर बना के लिखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। उदाहरण के मतलब एग्जाम्पल दे के लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की ओर। संज्ञा के भेद लिखिए। तो जो अभी मैंने आपको समझाया था क्लास टू का एग्जाम्पल देके कि आप क्लास टू में हैं लेकिन क्लास टू का अलग अलग सेक्शन होता है, वैसे ही संज्ञा है लेकिन संज्ञा के अलग अलग भेद हैं या अलग अलग प्रकार हैं। तो वही कितने प्रकार हम, जो भी हमने अपनी किताब में पढ़े कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उसी को उत्तर बना के उसी रूप में लिखिएगा बच्चों। जिस रूप में हमारी किताब में दिया है उसी तरीके से अपना उत्तर बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न तीन पर। बच्चों एक चीज और बताऊं, जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखते हो तो हमेशा अपने प्रश्न को पढ़ के ये देखो कि आपसे क्या क्या पूछा गया है। जैसे प्रश्न एक में आपसे पूछा गया था संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। मतलब संज्ञा भी लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। प्रश्न दो में आपसे सिर्फ संज्ञा के भेद पूछे गए हैं, उदाहरण लिखने को नहीं पूछा गया है। तो हम सिर्फ भेद लिखेंगे, उसका उदाहरण यानी उसका एग्जाम्पल नहीं देंगे। अगर यहाँ पे होता कि संज्ञा के भेद उदाहरण सहित लिखिए तो हम उदाहरण भी लिखते, लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो हम नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर। प्रश्न तीन को ध्यान से सुनना बच्चों। संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए।
फिर से, संज्ञा शब्द को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। शब्द क्या क्या है? कुर्सी, अमन, पंखा, दिल्ली, मित्रता, किताब, हंसी, बुढ़ापा, हिमालय। एक बार और शब्दों को पढ़ रही हूँ। कुर्सी, अमन, पंखा, दिल्ली, मित्रता, किताब, हंसी, बुढ़ापा, हिमालय। कुल 9 शब्द हैं यहाँ पे। ये सभी शब्द संज्ञा के हैं, ठीक है? ये सभी शब्द संज्ञा के हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है और कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा है। उत्तर लिखते समय हम इसी प्रकार ये तीनों नाम लिख लेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो शब्द व्यक्तिवाचक में आएंगे उनको व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे, जो जातिवाचक में आएंगे उनको जातिवाचक के नीचे लिखेंगे और जो भाववाचक में आएंगे उनको भाववाचक के नीचे लिखेंगे, ठीक है? व्यक्तिवाचक शब्द क्या होते हैं बच्चों? जब आपको किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी चीज़ का नाम दे दिया जाए, स्पेशल नाम, किसी एक चीज़ का नाम, ठीक है? जातिवाचक, पूरी जाति, आपको नाम नहीं बताया गया है तो वो पूरी जाति उसमें आ जाएगी। और भाववाचक क्या होता है? मन के भाव होते हैं। अब एक उदाहरण व्यक्तिवाचक का, जैसे यहाँ पे कुर्सी, अमन, पंखा, दिल्ली, अगर ये 4 शब्द देखें, ठीक है? कुर्सी अगर मैं बोलूँ तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कौन सी कुर्सी बता रही हूँ? मैंने किसी एक कुर्सी का नाम लिया? अगर आपके सामने 10 कुर्सी रखी है और मैं बोलूँ 10 में से एक कुर्सी ले आओ, तो वो किसी एक कुर्सी का कोई नाम मैंने दिया? आप तो कोई भी कुर्सी ला सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से सोचो कि वो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। अमन, अमन एक लड़के का नाम है, ठीक है? आपके सामने 10 लड़के खड़े हैं, मैं आपसे कहूँ कि अमन को बुला के लाओ, तो क्या करोगे? 10 लड़कों को बुला के लाओगे कि सिर्फ अमन को बुला के लाओगे? तो अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो कौन सा संज्ञा होता है बच्चों? इस प्रकार सोच के लिखेंगे। वैसे ही पंखा, पंखे पे भी वही उदाहरण लगाइए, अपने मन में जो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया उसी तरीके से सोचिए कि मेरे सामने 10 पंखा रखा है, अब कौन से पंखे की बात हो रही है मुझे तो नहीं पता, मतलब ये सारे पंखों की बात हो रही है, ठीक है? तो वो कौन से संज्ञा होगा? फिर दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम दिया गया है आपको, अगर मैं बोलूँ कि आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली जाओगे, आपको पता है कि वो कौन से शहर जाना है, लेकिन मैं आपको बोलूँ किसी शहर चले जाओ, तो इस प्रकार सोच करके जब आप उत्तर बनाएंगे या उत्तर ढूंढेंगे तो आपको सबका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग ख नंबर पे। लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर कुछ लघु होंगे, इसीलिए इनको लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नों को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 1 है, 8 वाक्यों में अपना परिचय लिखिए। प्रत्येक वाक्य में आए संज्ञा शब्द को रेखांकित करिए। 2 चीज़ें करनी है बच्चों। 8 वाक्यों में अपना परिचय लिखिए। परिचय क्या होता है? जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो उसको अपना परिचय देना बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है?
तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना परिचय देना है कुल 8 वाक्यों में। तो सबसे पहले तो 1 से 8 तक नंबर डाल लीजिए, 8 वाक्य हो गए। अब इसमें 8 वाक्य आपको बनाना है और इस तरीके का प्रश्न हल करते समय, यानी जब भी आप अपना परिचय किसी को दे रहे हो या किसी दूसरे के बारे में आप लिख रहे हैं, हमेशा सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, आप अपने बारे में लिखिए, किसी दूसरे के बारे में लिखिए, आपको अगर बोला जाए कि अपनी माँ के बारे में लिखिए, तो किसी के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका परिचय लिखने को बोला जा रहा है, तो सबसे पहला वाक्य तो आपका नाम ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप 8 वाक्य लिखेंगे। उसके बाद आप लिखिए अपने बारे में, अपना नाम लिखिए, आप अपने आपकी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आप अपने माता पिता का नाम लिखिए। किसी को भी अपने बारे में बताएंगे तो यही सारी बातें बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। ठीक है, कुल आपसे 8 वाक्य पूछा गया है, तो इसको और बढ़ाइए कि मेरे घर में ये लोग रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार करके आपको 8 वाक्य करने। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक वाक्य में आए संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। हर वाक्य में सबसे पहला वाक्य क्या था, मेरा नाम डैश है, जो भी आपका नाम है वो लिखिएगा। तो हर वाक्य में कुछ ना कुछ संज्ञा तो ज़रूर होगी या ज़रूर होनी चाहिए, किसी ना किसी का नाम तो ज़रूर आ रहा है। अगर आप परिचय दे रहे हो तो नाम ज़रूर आएगा। ठीक है, इसका मतलब हर वाक्य में संज्ञा ज़रूर होगी। उस संज्ञा शब्द को आपको देखना है कि कहाँ पे नाम आ रहा है, उसको रेखांकित करते जाना है। बहुत आसान है, यहाँ पे आपको सिर्फ संज्ञा ढूंढना है, आपको नहीं बताना है कि वो जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, सिर्फ संज्ञा ढूंढना है और उसको रेखांकित करना है। ठीक है, आसान है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अलग अलग 5-5 उदाहरण लिखिए। फिर से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अलग अलग 5-5 उदाहरण लिखिए। तो अभी तक हम लोग ने बहुत बार पढ़ा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उनके उदाहरण भी पढ़े। कुछ उदाहरण आपको अपने से भी समझ में आ रहे होंगे, अगर आप ये चीज़ सीख रहे हैं कि किसे कहते हैं, तो उन्हीं उदाहरणों में से आपको 5-5 उदाहरण हर एक का देना है। ठीक है, 5 व्यक्तिवाचक का, 5 जातिवाचक का और 5 भाववाचक के। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, संज्ञा शब्द को रेखांकित करके उस शब्द को पुनः लिखिए। फिर से, संज्ञा शब्द को रेखांकित करके उस शब्द को पुनः लिखिए। यानी नीचे आपको कुल 6 वाक्य दिए हैं बच्चों। ठीक है, इन 6 वाक्यों में जहाँ जहाँ पे संज्ञा है उसको आपको पहले रेखांकित करना है, और फिर जैसे हम हमेशा वाक्य के नीचे उस शब्द को फिर से लिखते हैं, संज्ञा शब्द या जो भी अगर विशेषण कर रहे हैं तो विशेषण को उसको दोबारा लिखते हैं रेखांकित शब्द को, उसी प्रकार करना है। वाक्य पढ़ रही हूँ। 1 नंबर, फूल सुंदर है, फूल सुंदर है। तो संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि नाम को ढूंढो। नाम कहाँ पे आ रहा है, किसी भी चीज़ का नाम कहाँ पे आ रहा है। जैसे फूल, ये कोई नाम है, आप खुद सोचिए। अगर नाम है तो ये संज्ञा होगा, अगर नाम नहीं है तो ये संज्ञा नहीं होगा। सुंदर, क्या ये नाम है, तो अगर नाम है तो संज्ञा होगा, नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं होगा। और है,
क्या ये नाम है, इसमें भी वही बात है। तो इस वाक्य में जो भी नाम है उसको रेखांकित करेंगे, क्योंकि वो नाम ही संज्ञा हो जाएगी। दूसरा वाक्य, गाय हमें दूध देती है। फिर से, गाय हमें दूध देती है। नाम को ढूंढना है और रेखांकित करना है। हो सकता है वाक्य में एक ही संज्ञा हो, हो सकता है वाक्य में एक से अधिक संज्ञा हो, ठीक है, ध्यान से करना। तीन नंबर, माँ ने मुझे खिलौना दिया। माँ ने मुझे खिलौना दिया। चार नंबर, राधा ने सुंदर चित्र बनाया। राधा ने सुंदर चित्र बनाया। नाम ढूंढना है बच्चों, नाम पे ध्यान रखिए। पांच नंबर, बच्चा आम खा रहा है। बच्चा आम खा रहा है। और छह नंबर, कल अनुज सिनेमा देखने गया था। फिर से, कल अनुज सिनेमा देखने गया था। अब बच्चों ग नंबर पे चलते हैं। ग नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, विकल्प मतलब ऑप्शंस, जो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर से, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। चलो अब मैं इसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इसको हल करिएगा। एक नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण है, विकल्प है, गाय, अमर, गुलाब। गाय, अमर, गुलाब। दूसरा, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की, सचिन, जानवर। लड़की, सचिन, जानवर। तीसरा, संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं। दो, तीन, चार। और अंतिम है चार नंबर पे, व्याकरण में नाम को कहा जाता है। व्याकरण में नाम को कहा जाता है संज्ञा, वर्ण, अक्षर। संज्ञा, वर्ण, अक्षर। तो बच्चों ये सब अलग अलग अभ्यास हैं, अलग अलग तरीके के, हमें संज्ञा को एकदम अच्छी तरीके से समझने के लिए। जब हम हर प्रकार से इनको हल कर लेंगे तो हम संज्ञा को एकदम अच्छे से जान जाएंगे, तो हम किसी भी वाक्य में संज्ञा को आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो इनको हल करिए। गुड डे।